अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एनिमा। और आप लोग पहले ही जान चुके हैं भैया, वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि मेमोरी बहुत ही लंबा टॉपिक है। ऑफ कोर्स आज हम लोग मेमोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स जब हम लोग मेमोरी के बारे में बात करेंगे तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स क्या क्या हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको फ़ायदा डायरेक्ट भी पहुँचाना चाहता था, इस तरीके से कि मैं आपको कुछ मेमोरी हैक्स, मेमोरी टेक्निक्स बता सकता हूँ जो आपकी शायद पढ़ाई में हेल्प कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया में हर कोई इसे यूज़ कर रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर पता नहीं लोग क्यों नहीं इसे यूज़ कर रहे हैं, इसको ना इम्प्लीमेंट करा गया है सही तरीके से, मैं नहीं जानता क्यों। लेकिन खैर मैं आपको बता दूंगा वो सारी की सारी चीज़ें। और बहुत ही फ़नी चीज़ ये है कि मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ ही मजाक करता हूँ कि जो चीज़ हमें सबसे पहले पढ़ाई जानी चाहिए थी कि मेमोरी क्या होती है और लर्न कैसे करते हैं चीज़ों को, वो चीज़ हमें अब जाके पढ़ाई जा रही है बैचलर्स के अंदर साइकोलॉजी की। अव्वल बात तो होनी ही चाहिए थी कि बच्चा जब सिक्स ग्रेड में, सेवन्थ ग्रेड में आए तभी आप उसे सब बता देते, लेकिन तब हमारे यहाँ रोट लर्निंग पर इतना ज़्यादा फोकस होता है कि इस सब के बारे में बात कोई करना ही नहीं चाहता। लेकिन खैर अब हम लोग यहाँ पर हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम लोग जब बात करेंगे मेमोरी की तो हम दो तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। एक होती है कि टाइप ऑफ मेमोरी किस तरीके की है, यानी कि डिक्लेरेटिव है या नॉन डिक्लेरेटिव है, बोले तो आपको पता है कि आपके पास ये मेमोरी है, या ऐसी मेमोरी है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास ये मेमोरी है, या आपको कॉन्शियसली आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपके पास ये मेमोरी है। हम इस पर आएंगे, बाद में आएंगे। दूसरा हम जो इसे डिवाइड कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं स्टेजेस के अंदर, जो कि है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और सेंसरी मेमोरी। ये तीन इसकी स्टेजेस ऑफ मेमोरी हो गई। अब हर एक स्टेज के अंदर तीन प्रोसेसेस हैं। मैं जानता हूँ हल्का सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बहुत आराम से हम लोग शायद बस आए, हाथ पकड़ के चल रहा हूँ मैं आपका, आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर मेमोरी स्टेज के अंदर, चाहे वो सेंसरी मेमोरी हो, चाहे वो आपकी वर्किंग या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, या फिर चाहे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी हो, उसके अंदर ये तीनों अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो कि इनकोडिंग यानी कि मेमोरी का उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं एक बंडल बनाना एक चीज़ तरीके से, तो इनकोडिंग इज़ दैट, उसको वहाँ पे आके स्टोर करना, दैट इज़ योर स्टोरेज, और तीसरा जब ज़रूरत पड़े तो वापस बुला लेना, रिट्रीवल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं सेंसरी मेमोरी के साथ। तो सेंसरी मेमोरी जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है आपकी मेमोरी, इनफैक्ट लोग कहते हैं कि इन्फिनिट है, मतलब आप जो अभी सब देख रहे हैं ना, ये आपके आसपास जो भी आपको दिख रहा है इस वक्त इस वीडियो में और आपके आसपास जो भी हो रहा है, आप यकीन करिए ना करिए, ये सब आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। आप बस जिस चीज़ पर अटेंशन पे कर रहे हैं वो आपके दिमाग में कॉन्शियसली रजिस्टर हो रहा है, वो अलग बात है, और वही जाके आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाएगा। लेकिन सेंसरी मेमोरी में अभी आपके दिमाग के अंदर सब चीज़ें आ रही हैं। जॉर्ज स्पिरलिंग एक बंदा है, इसने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उन्होंने ये पाया था कि भैया इंसान जो होता है ना इन्फिनिट नंबर ऑफ चीज़ें परसीव कर पाता है एक बार में, अपनी सराउंडिंग को पूरी तरीके से कर रहा होता है। इट्स जस्ट दैट आप तब तक उसको कॉन्शियसली रजिस्टर नहीं करते जब तक आप उस पर फोकस ना करें, विच इज़ वेरी वियर्ड। यू नो आपको लगता होगा कि भाई हम बहुत ही कॉन्शियसली सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है ना, और फिर वो बेहतर हो जाएंगी हमारी मेमोरी के अंदर, ऐसा नहीं होता। आप जिन चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं आपको पता ही तब लगता है कि आप उन पर आपने एक तरीके से उन्हें रजिस्टर कर रखा है। थोड़ा सा वियर्ड हो गया है यहाँ पे। आप एक तरीके से ऐसे सोचिए कि मैं आपके सामने हज़ार गेंदें उछालूँ, ठीक है, और मैं आपसे पूछूँ कि आपने कौन सी देखी। अब आपने देखी सारी हैं, आपके दिमाग में सारी हैं, लेकिन आप जब बताना शुरू करेंगे, देखो मैंने नीली वाली देखी, पीली वाली देखी, पिंक वाली देखी, नारंगी देखी, सतरंगी देखी, तब तक आप बाकी सारी भूल गए होंगे कि उनका कलर क्या था। अब आप ये कंप्लेन करेंगे कि यार मैंने देखी तो पक्का ज़्यादा थी, याद बहुत कम है। ये आपकी सेंसरी मेमोरी है, ऑफकोर्स ये एक तरीके से विजुअल भी हो सकती है और एकोइक भी हो सकती है, यानी कि आंखों के द्वारा और कानों के द्वारा। ऑफकोर्स यहाँ पे अब स्टोरेज का तो मतलब बनता ही नहीं है जब इतनी तेज़ी से सारी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, बिल्कुल लिटरली सेकेंड्स के अंदर, लेस देन अ सेकेंड के अंदर ही सारे के सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ स्टोरेज का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, रिट्रीवल का भी कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, एक तरीके से बस एक प्रॉपर इनकोडिंग ही हो सकती है किसी चीज़ की, और वो भी जब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर सही तरीके से पहुंच जाएगी कोई चीज़, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से आई है, यानी कि जब कोई चीज़ अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंचेगी तभी जाके आपको इस बात का एहसास ठीक से हो पाएगा कि हाँ भैया वो सेंसरी मेमोरी से कभी आई भी थी। बहुत ही वियर्ड चीज़ है कि आपका दिमाग किस तरीके से चीज़ें आपके अराउंड प्रोसेस करता है, इट रियली मेक्स यू क्वेश्चन कि आप एक्चुअली दुनिया के बारे में कितना जानते हैं। तो भैया मान लीजिए आपने एक चीज़ पर फोकस कर लिया अपने सेंसरी मेमोरी के अंदर, आपने उसको तीन चार बार दोहरा दिया, मान लीजिए मैंने आपके सामने हज़ार गेंद उछाली, आपको पीली वाली पसंद आ गई, आपने बोला पीली गेंद, पीली गेंद, पीली गेंद, पीली गेंद, है ना, अब आपने अपने दिमाग में उसे बार बार बोलना शुरू कर दिया, मुबारक हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ये गेंद आ चुकी है। अब एक बार
कोई भी चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आ गई उसको वहाँ मेंटेन करने के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट्स बना रखे हैं। एक आपका ब्रेन का हिस्सा है जिसको हमने नाम दे रखा है विजुअल स्केच पैड। ये कोई अपने आप में ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमने नाम दे रखा है, बस एक कंसेप्ट है। तो एक है विजुअल स्केच पैड और दूसरा है फोनोलॉजिकल लूप। नाम से ही पता चल रहा है विजुअल स्केच पैड क्या है, वो पीली गेंद का पीला कलर देख रहा है वो, ठीक है। और फोनोलॉजिकल लूप जो है वो पीली गेंद की जो स्क्वीकी साउंड है अगर वो कोई निकाल ली या कोई थर्ड सी साउंड है वो इनकोड कर रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि एक तीसरा स्ट्रक्चर भी है जो इन दोनों को मैनेज कर रहा है। और बहुत ही मज़े की बात ये है कि आपका जो विजुअल स्पेशियल स्केच पैड है वो राइट हेमिस्फीयर से कनेक्टेड है। आपको याद होगा हमने बात करी थी कि जो राइट वाला होता है ना वो थोड़ा स्पेशल रीजनिंग के साथ काम करता है, और आपका क्या कहते हैं जो साउंड वाली है ना वो आपके लेफ्ट से कनेक्टेड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर से, विच इज़ वेरी फनी बिकॉज आपकी जो लैंग्वेज है वो भी आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर से कनेक्टेड है। सो आपका ब्रेन आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी सारे काम कर रहा है, तो ये आपके इनकोडिंग के अंदर काम कर रहा है। यहाँ पे आपका जो मेमोरी है वो मेंटेन्ड रहेगी टिल द टाइम के आप उसे मेंटेन करना चाहें रिहर्सल के थ्रू। रिहर्सल क्या होती है भाई, आप चीज़ें बोलते रहें। जब भी कोई चीज़ हम लोग बोलने के साथ साथ रिहर्स कर सकते तो हम भाई बोलना प्रेफर करते हैं, अनलेस कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स ही हमारे सामने पेंटिंग आ जाए। अगर मुझे एक पीली बॉल दिखाई जा रही है तो मैं उसको पीली बॉल करके ही याद रखना पसंद करूँगा। हम लोग ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं विजुअली किसी चीज़ को ऐसे अपने दिमाग में फ्लैश करवाते रहें इस पूरे मामले के अंदर, अनलेस कोई चीज़ सच में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो कि हमें उसे विजुअली ही करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको, ये अपना मेरा फ़ोन का कवर है, ये मेरा माउस है, ठीक है, और ये एक फ़ोन का स्टैंड है। इन तीनों चीज़ों को मैं लूँ और तीनों चीज़ों को मैं मिला दूँ, अब मैंने मिला दी और फिर मैं आपको दिखाऊँ, बहुत ही वियर्ड सी चीज़ बनेगी, मुझे भी नहीं पता क्या बनेगी। और अब आप इसको फोनोलॉजिकली तो नहीं डिफाइन कर सकते ना, बोल तो आप सकते नहीं कि भाई ये था। तो आप क्या देखेंगे, आप बस अपने दिमाग में वो पिक्चर रिक्रिएट करके रखने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, ठीक है। यही होती है कि इस तरीके का, इसी को हम लोग एक तरीके से रिहर्सल कहते हैं, मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं। अगर हम इसके बारे में डीप थॉट देने लग जाएं, इसी चीज़ को एलैबोरेटिव रिहर्सल बना दें इसे, यानी कि हम सोचने लग जाएं अच्छा ये चार पांच ऑब्जेक्ट से बना था तो ये यू नो इससे किसका कनेक्शन हो सकता है, क्या इसके अंदर मैंने क्या कहते हैं अपना माउस रखा था कि नहीं रखा था, माउस अगर होगा तो कौन से कलर का होगा और ये होगा तो कैसे, तो ये चीज़ें किससे बनी हैं और ये फर्दर इनको कैसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो अगर आप इतने ज़्यादा सवाल इसके बारे में पूछने लग जाएंगे तो ये एलैबोरेटिव रिहर्सल हो जाएगी। बहुत आसान है, याद रखना एलैबोरेशन हो रहा है भाई साहब, तो इसलिए एलैबोरेटिव रिहर्सल हो जाएगी और फिर यही मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट मार जाएगी। स्टोरेज के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसका पूरा का पूरा जो आइडिया है शॉर्ट टर्म मेमोरी का वो 7 ± 2 आइटम्स का है, या चंक्स को आप बोल सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, नो मैटर हाउ मच ऑफ अ जीनियस यू आर, तो या तो वो मैक्सिमम 9 आइटम्स याद रख सकते हैं आप। आइटम कुछ भी हो सकता है, एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, या फिर अगर आपकी मेमोरी इतनी खास नहीं है तो आप 5 याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 7 इज़ लाइक द मीडियन, प्लस माइनस 2 ऑफ कोर्स मतलब एक पूरा एक रेंज हम लोगों ने बना रखी है अपने लिए, अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी देर तक हम लोगों को याद रह जाती है। इसका जो पूरा का पूरा वो है टाइम कि आप कितनी देर तक याद रख सकते हैं, उसके ऊपर इनफैक्ट इतना काम नहीं हुआ है। ऑलराइट, वो इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम 15 से 30 सेकंड तक किसी चीज़ को याद रख सकते हैं, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्चुअली डू प्रॉपर रिसर्च ऑन दिस। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, और फिर मैं नीचे रख दूँ और मैंने आपको ये नहीं कहा कि इसके बारे में सोचते रहना है, तो क्या आप नहीं सोचेंगे, अरे भाई ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस। अगर मैं आपसे कहूँगा कि भाई फ़ोन का स्टैंड की तुम ये स्पेसिफिकेशन है, इसके नीचे चार गुल्ले हैं ऐसे टाइप के, तो मैं चारों याद रखने, और फिर मैं आपसे कहूँ कि अब इनके बारे में मत सोचो, यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट। ऑफ कोर्स जब भी हम लोग वर्किंग मेमोरी की बात करेंगे तो रिट्रीवल तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर सारा काम हो रहा होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है वर्किंग मेमोरी के साथ, और जब भी इनफैक्ट हमें कोई भी चीज़ मैनिपुलेट करनी होती है आपके दिमाग में, इस वक्त जो भी चीज़ आ रही हो इस वक्त वर्किंग मेमोरी के अंदर है, इनफैक्ट आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है ना उसे भी पहले खींच के आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से वर्किंग मेमोरी के अंदर लाया जाता है, और वर्किंग मेमोरी के अंदर उसके ऊपर मैनिपुलेशन कराया जाता है। तभी शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी में यू नो इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों चीज़ एक तरीके से सेम ही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही वर्किंग मेमोरी बोला जाता है क्योंकि वर्किंग मेमोरी के अंदर ही वर्क हो रहा होता है एक तरीके से, इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप मैनिपुलेट कर रहे होते हैं सारी की सारी चीज़ें, आप जगलिंग कर रहे होते हैं एक तरीके से। मुबारक को भैया, अब हम लोग पहुंच चुके हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे पहुँचते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। वर्किंग मेमोरी में जो चीज़ मेंटेनेंस के लिए रिहर्स हो रही है तो वो वर्किंग मेमोरी में रहेगी। मान लिया आपको एक नंबर लिखना है तो आपने चार बार अपने नंबरों से करते रहे तक आपको फ़ोन पैड नहीं मिल गया, अपने फ़ोन में लिख दिया, ख़त्म, फिर वो वहाँ से उड़ जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बता दिया, आप उसके बारे में सोचते रहे, तो आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाएगा। एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप हर चीज़ का ना सारे एट्रीब्यूट्स और स्पेसिफिक्स नहीं रखते हैं अपने दिमाग के अंदर, आप सिर्फ उन चीज़ों की मीनिंग रखते हैं। ठीक है, जैसे आप किताब पढ़ते हैं ना, किताब की हर एक चीज़ नहीं याद रहने वाली, आपको बस किताब का जो मीनिंग था, जो जिस्ट था, वो याद रहने वाला है। एंड दैट इज़ ऑल यू शुड बी वरीड अबाउट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा वरी करते हैं कि भैया मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस याद नहीं आ रहा, और पता नहीं क्या लिखा हुआ था उस किताब के अंदर, और मेरा एग्ज़ाम है, और पैराग्राफ के अंदर कहता है। इट डज़ नॉट मैटर, ऑल राइट, एज लॉन्ग एज यू हैव द मीनिंग, यू हैव अंडरस्टूड इट, ऑल राइट, वही आपके ब्रेन में जाके स्टोर होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। जब लॉन्ग टर्म मेमोरीज हम लोग रिट्रीवल की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रिट्रीवल के अंदर फेलियर हो सकता है, इनकोडिंग के अंदर फेलियर होना लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि इनकोड सही से हुआ नहीं, इसका मतलब जहाँ से आ रहा है वहाँ से मसला था, यानी कि वर्किंग मेमोरी में सही से नहीं आया, यानी कि सेंसरी मेमोरी से आगे ही नहीं बढ़ा कुछ। तो आप सोच रहे हैं ना, इट इज़ मच ईजियर टू से कि भैया लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर खो गई चीज़, बनस्बत इसके कहना कि भैया लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कुछ घुसा ही नहीं। क्योंकि अगर हम ये इल्ज़ाम लगाने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कुछ घुसा नहीं, तो यानी वर्किंग मेमोरी से आगे ही नहीं बढ़ा, यानी कि सेंसरी मेमोरी के अंदर या वर्किंग मेमोरी के अंदर ही कहीं ना कहीं लोचा हो गया है, तो उससे तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो रिट्रीवल इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ चीज़ें होती हैं जिनका नाम क्यूज़, वो आप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद करना है कि भाई अब्दुल्ला ने कौन सा एग्जांपल दिया था हमें मेमोरी के बारे में समझाने के लिए, तो हो सकता है कि अगर ये सामने रखा हो आपके, तो मे बी द आंसर वुड बी प्रिटी ईजी फॉर यू, बिकॉज देन आपको ये देख के याद आ जाएगा, अरे इसके नीचे जो चार सर्कल्स थे उसका एग्जांपल दिया था अब्दुल्ला ने। दैट इज़ योर रिट्रीवल क्यू एक तरीके से। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर भी जब हम लोग टेस्ट दे रहे होते हैं, तो दो टाइप के हमारे ऊपर टेस्ट करे जाते हैं, एक रिकॉग्निशन, एक रिकॉल। मोस्ट प्रोबेबली यही दो होते हैं मोस्ट यूजुअली। तो रिकॉग्निशन टेस्ट आपका एमसीक्यू टेस्ट होता है, जिसमें आपको पूछा जाता है भैया इसमें से सही आंसर कौन सा है। अब इसमें आप पूरी तरीके से अपना दिमाग नहीं भिड़ा रहे, क्योंकि आपको वहाँ पे क्यूज़ दे रखे हैं, ऑलरेडी आपको बस मिक्स एंड मैच करना है। जो बिल्कुल हार्ड कोर टेस्टिंग होती है ना, वो होती है आपकी रिकॉल टेस्टिंग, और वो होती है जब आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रखा होता। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि भैया डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, और इसके पीछे फ़र्क यह है कि भैया डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर आपकी एपिसोडिक मेमोरीज होंगी या सिमेंटिक मेमोरी होगी, ये एक और डिविजन है। सिमेंटिक मेमोरी का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ जो आपने पढ़ाकू याद करी है, एक तरीके से आपको एक इन्फॉर्मेशन पता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सी हॉर्स का जो मेल होता है, सी हॉर्सेज में जो मेल होता है वो बच्चे कैरी करता है आफ्टर द फीमेल हैज़ गिवन बर्थ टू देम, ये एक सिमेंटिक नॉलेज है, बिल्कुल ही रैंडम, मेरी ज़िंदगी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। बहादुर शाह जफर की लड़ाई कब हुई है, 1857 के अंदर, ये आपको और मुझको पता है अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। एलॉन मस्क की फेमस कंपनीज़ के नाम बताइए, और यहाँ पर टेस्ला का नाम ले सकते हैं आप, स्पेसएक्स का नाम ले सकते हैं आप, जाके आप न्यूरालिंक का भी नाम ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये हो गई आपकी सिमेंटिक नॉलेज, दुनियावी सारी की सारी नॉलेज। एपिसोडिक नॉलेज, मैंने परसों बटर चिकन खाया था, मैंने कल पालक पनीर खाया था, कल मैंने इससे बात करी थी, परसों मैंने शहरी में ये खाया था, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपकी हो गई एपिसोडिक मेमोरी। ये सब आपके डिक्लेरेटिव में आ रही है, ये आपको पता है, और आपको पता है कि आपको पता है। फिर आती है आपकी नॉन डिक्लेरेटिव, इसके अंदर आती है आपकी प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया लिख के दिखाओ, तो अगर आप लिखना शुरू करेंगे ना पेन से पेपर के ऊपर, तो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, ऑलराइट, वो बस चीज़ें हो रही हैं। आपको ये नहीं सोचना पड़ रहा कि मैं एफ़ बनाता हूँ तो मैं एफ़ ऐसे बनाता हूँ, या आप जब अपने लेसेस बांध रहे होते हैं शू लेसेस, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता वहाँ पे कि अच्छा मैं बांध रहा हूँ तो कैसे बांध रहा हूँ। तो इवन जो कुछ पेशेंट्स होते हैं इनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो चुका होता है, जो हम एक बार पढ़ चुके हैं कि हिप्पोकैम्पस जो होता है मेमोरी को कंसोलिडेट करने में हेल्प करता है, यानी मेमोरी को परमानेंट बनाने में एक तरीके से हेल्प करता है। अगर वो भी डैमेज हो गया हो कुछ पेशेंट्स के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि उनको एक तरीके से एंटेरोग्रेड एमनीशिया हो जाए। एंटेरोग्रेड एमनीशिया का मतलब कि वो आगे की कोई मेमोरीज ना फॉर्म कर पाए, लेकिन वो प्रोसीजरल मेमोरीज अब भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी मेमोरी है ये ब्रेन के दूसरे स्ट्रक्चर्स मीडिएट करते हैं। मतलब ये ऐसा निज़ाम बना रखा है कि अगर आप कुछ भी नया ना सीख पाएँ, तब भी आप नए हुनर नए फन सीख पाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफकोर्स मैंने कहा था कि भाई जो वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा फॉर बेटर मेमोरी। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स ये है कि भाई एक्टिव रिकॉल के बारे में आप लोग पढ़ें, एक्टिव रिकॉल क्या होता है, स्पेस रेपिटेशन होता है वो क्या होता है, और तीसरा होता है एंकी। एंकी एक ऐप है, एंकी कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एंकी एक ऐसा ऐप है जो स्पेस रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल के ऊपर ही बेस्ड है। बेसिकली अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक के बारे में शार्पन करनी है, तो आपने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे उस चीज़ के बारे में, ठीक है,
and that is your best bet of improving your recall about that particular information, right? क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको ये तो याद होगा कि हाँ आपने पन्ने पलटे हैं, लेकिन पन्नों के अंदर क्या लिखा था इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको याद रहेगा. एंड दिस इज़ वाई आई सी अ लॉट ऑफ पीपल सिंपली मिस्टेकिंग फ्लिपिंग पेजेस एज रीडिंग और एज रिवाइजिंग. दैट इज़ नॉट ट्रू. आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने ही पड़ेंगे बाय द टाइम. बाय द वे मैंने होता हुआ एक्चुअली देखा भी है अपने साथ. मैं दूसरों को क्या ही बोलूँ कि बहुत सारा टाइम ऐसा होता था कि मुझे एक कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा होता था, तो मैं पूरा पूरा चैप्टर बैठ के पढ़ रहा होता उसके लिए, विच इज़ वेरी स्टूपिड कि मैं पूरा चैप्टर क्यों पढ़ूँ, मैं बाकी सारे आंसर कर पा रहा हूँ तो मैं बाकी पूरा चैप्टर क्यों पढ़ूँगा. तो ये तभी हो पाएगा जब आप लोग एक्टिव रिकॉल को ज़रा अच्छे तरीके से देखेंगे, जब आप लोग इसको देखेंगे क्या कहते हैं स्पेस रेपिटेशन को. दैट इज़ कि आपको कुछ मेमोरी के जो जितने भी आपको अगर आपको स्ट्रेंथन रखनी है अपनी मेमोरी, तो आपको कुछ आइडियाज़ को बार बार रिविजिट करना पड़ेगा. जैसे सेम डे आप रिविजिट करें शाम में मान लीजिए कोई कंसेप्ट को, तो बेहतर रहेगा. फिर 7 दिन बात करें, फिर 14 दिन बात करें, फिर 21 दिन बात करें, तो उससे आपकी मेमोरी में वो सॉलिडिफाई होता चले जाएगा. एक बंदे की रिसर्च बेस्ड है, एबिंग हाउस उनका नाम था. एबिंग हाउस बहुत ही फेमस नाम है मेमोरी के अंदर. उनके एक्सपेरिमेंट के साथ भी वैसे काफ़ी मसले थे, बट ऑफ कोर्स दैट इज़ अ वीडियो फॉर अनदर डे. मैं कुछ वीडियोज़ नीचे लिंक में डाल दूंगा कुछ वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, विच आर गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट स्पेस रेपिटेशन, एक्टिव रिकॉल एंड ऑफ कोर्स यूजिंग एंकी. तो आई होप कि वो आपकी मदद कर पाए. मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स में से एक हैं अली अब्दाल भाई, तो उन्हीं के पूरी की पूरी मैं नीचे प्लेलिस्ट डाल दूंगा. आई होप यू वुड बेनिफिट फ्रॉम इट. दैट इज़ ऑल फॉर दिस वन गाइज. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.